So good evening, everyone. Today we'll be starting with second chapter in science, class 8, which is microorganism, friend and foe. So foe का मतलब होता है बेटा enemy. तो microorganism हमारे friend भी हैं और हमारे enemy भी हैं कैसे? तो आज हम इस chapter को detail में देखते हैं class 8 के लिए. Introduction. So beginning with the chapter, अब introduction पे आते हैं. कुछ organisms ऐसे हैं apart from plant and animals जिनको हम देख नहीं सकते. तो जिनको हम नेकेड आई से जिन ऑर्गेनिज्म को हम नहीं देख सकते उनको हम क्या बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो इन ऑर्गेनिज्म को हम कैसे देख सकते हैं? कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं बेटा जैसे फंगस वगैरह, उनके केस में हम लोग फंगस को हम देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नीफाइंग ग्लास. ठीक है, सो फंगस कैन बी व्यूड with magnifying glass. ठीक है, इसके अलावा अगर जो बाकी हैं different जो other organisms हैं या दूसरे micro organisms उनको कैसे देख सकते हैं? Others can be seen using a microscope. तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था. आगे चलते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल्स वगैरह देखते हैं. अगर हम रेनी सीजन में मॉइस्ट ब्रेड को देखें तो वो स्पॉइल्ड हो जाती है और उसकी जो सरफेस है इट गेट्स कवर्ड विद अ ग्रेश वाइट पैचेस. कवर हो जाती है किससे? ग्रेश वाइट पैचेस से ड्यूरिंग मॉनसून सीजन. तो ये ग्रेश वाइट पैचेस होते क्या है? दीज आर एक्चुअली What? These are actually fungus growing on bread. तो जो हमारा फंगस होता है ना बेटा, ये हमारा एयर में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है. जब एयर में प्रेजेंट होता है तो इसको एक वार्म और मॉइस्ट सरफेस चाहिए होता है. किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए ना, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करने के लिए दो चीजों की नेसेसिटी होती है. क्या क्या है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ. फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू ग्रो कॉमा दे नीड वॉट? वार्म टेम्परेचर एंड मॉइस्चर. तो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए दो चीजें चाहिए. क्या? एक वार्म टेम्परेचर चाहिए और दूसरा क्या चाहिए उसको? मॉइस्चर. अगर उसको ये दोनों चीजें मिल जाती हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं. तो ये जो ब्रेड है देख रहे हो, इसके ऊपर जो ये वाला पैच है, ये वाला जो पैच है, ये किसकी वजह से है? दिस इज बिकॉज ऑफ फंगस ग्रोइंग ऑन ब्रेड. ठीक है जी. तो ये क्या है हमारा? ये हमारा फंगस है. फंगस ग्रोइंग ऑन ब्रेड. मॉनसून में इसको दो चीजें मिल गई. क्या क्या मिल गया? एक तो थोड़ा सा वार्म मिल गया ब्रेड, टेम्परेचर इसको मिल गया ज्यादा. ठीक है, वार्म टेम्परेचर मिला, साइड बाय साइड मॉइस्चर होता ही है तो वो ब्रेड के अंदर मॉइस्चर अब्सॉर्ब हो गया, दोनों चीजें मिल गई. तो एयर के थ्रू फंगस इसके ऊपर ग्रो करने लग गया. पहले ग्रो करेगा, फिर जर्मिनेट करेगा, धीरे धीरे पूरा ब्रेड कंज्यूम कर लेगा. ठीक है, आगे चलते हैं. नेक्स्ट, तो वाटर एंड सॉइल. अगर हम आपके एनसीईआरटीज में कुछ एक्टिविटीज दे रखे हैं उसमें बोला है कि वाटर और सॉइल को ऑब्जर्व करो, तो जब आप इनको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्या दिखेगा? कि दे आर फुल ऑफ टाइनी ऑर्गेनिजम्स, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भरे हुए होंगे. ठीक है, और कमाल की बात है कि ये जितने भी ऑर्गेनिज्म हम माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, ये जरूरी नहीं है हर ऑर्गेनिज्म that every organism falls in the category of microbes. So this is not mandatory. For example, viruses. Example क्या हमारा? Virus. हमारे जो viruses हैं वो microscopic तो होते हैं but they are not microorganisms. तो ये बात हमें बहुत ध्यान रखनी है बेटा, इसमें हमें confuse नहीं होना. Yet they are microscopic. क्योंकि ये खुद से कहीं भी अपने ऊपर ही न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंडेंट रहते हैं ग्रो करने के लिए. ठीक है ना,
इन्हें होस्ट चाहिए होता है बेसिकली ग्रो करने के लिए. आगे चलते हैं. तो दीज माइक्रोब्स आर सो स्मॉल. अब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि नेकेड आई से इन्हें देखना पॉसिबल नहीं है. लेकिन कुछ हैं फंगस जैसे जिनको हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं. बाकियों को देखने के लिए हमें क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप. दीज आर फंगस एंड बी सीन यूजिंग आवर मैग्नीफाइंग ग्लास. अब इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लासिफाई कर रखा है बेटा. इनकी जो क्लासिफिकेशन हुई है दैट इज बेसिकली इनटू फोर टाइप्स. कौन कौन से हैं वो, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ एंड एल्गे. एनसीईआरटी में सिर्फ इतना ही दे रखा है, थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं है, बट मैंने फिर भी एक दो पॉइंट्स डालने की कोशिश की है इसमें. तो बेसिकली हम इस कैटेगराइजेशन पे एक आधे पॉइंट्स देख लेंगे ताकि थोड़ा सा हमें क्लियर भी रहे आइडिया. ऑल्दो आप पढ़ भी चुके होंगे लेकिन फिर भी थोड़ा सा क्लियर रहे कि यह हो गया. बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं. पहले हम बैक्टीरिया पे आते हैं. दीज आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स विद अ रिजिड सेल वॉल. इनका सेल वॉल स्ट्रॉन्ग होता है. सेल वॉल और किसके अंदर है, जैसे प्लांट्स में हमारा सेल वॉल होता है, तो सेम बैक्टीरिया के अंदर भी सेल वॉल होता है. दे कैन ओनली बी सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप विच एनलार्जेस इमेजेस फ्रॉम 100 टू 1000 टाइम्स. तो सिर्फ इस मतलब इन माइक्रोस्कोप्स की कैपेसिटी रहती है बेटा, जिनको माइक्रोन्स में हम कंसिडर करते हैं, तो जो 100 टू 1000 टाइम्स किसी इमेज को एनलार्ज कर सकता है उसी माइक्रोस्कोप के थ्रू हम इसे देख सकते हैं. अगर हम बात करें बैक्टीरिया के एग्जांपल की तो है विब्रियो कॉलरे एज वेल एज सेल्मोनेला. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट नेक्स्ट आता है डिजीजेस. अब बैक्टीरिया से ह्यूमंस में कौन कौन से डिजीजेस हो सकते हैं, तो मैंने इसको भी दो डिजीजेस को इसी में इंक्लूड कर लिया इसी पार्ट के अंदर ही, ताकि हमें इसको अलग से बाद में कोई कंफ्यूजन ना रहे हमें. तो कौन से दो डिजीजेस हैं दैट कैन बी कॉज्ड इन ह्यूमंस बाय बैक्टीरिया विच इज टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस. ये में बैक्टीरिया की वजह से ही होते हैं. इट इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन आर बॉडी. ठीक है, फिर से आगे चलते हैं. सो दिस इज अ कॉमो शेप बैक्टीरिया. बैक्टीरिया की शेप्स होती हैं अलग अलग. तो ये जो बैक्टीरिया है इसका नाम है विब्रियो कॉलरा, बट इसको कॉमो शेप बैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है. सो इट इज ऑल्सो नोन एज अ कॉमो शेप बैक्टीरिया बिकॉज ऑफ इट्स शेप. तो बैक्टीरिया कम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस. सो इट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स. अब फंगाई की बात करते हैं. दीज आर नॉन ग्रीन प्लांट्स. तो फंगाई आर टिपिकली प्लांट्स. दीज आर नॉन ग्रीन प्लांट्स एंड हेंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. हमने पढ़ा हुआ है ग्रीन प्लांट्स जिनके अंदर क्लोरोफिल है वो अपना खाना खुद बना सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. लेकिन ये जो फंगाई हैं ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते. दे आइदर लिव एज पैरासाइट्स डिराइविंग न्यूट्रिशन फ्रॉम होस्ट ऑर्गेनिजम्स. तो ये भी जो हैं, ये वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये भी कहाँ रहते हैं, ये भी हमारे दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रहते हैं पैरासाइट्स की तरह. फॉर एग्जाम्पल ब्रेड मोल्ड जिसके हम बात कर रहे थे फंगाई. तो ये देख रहे हैं आप, ये ब्रेड मोल्ड का डायग्राम भी दे रखा है यहाँ पे. तो ये उसके ऊपर डिके होना, ब्रेड को डिके करना स्टार्ट करता है और उस पर ग्रो करना स्टार्ट कर देता है और फिर स्पोर्ट्स के थ्रू ये आगे बढ़ता चला जाता है. स्पोर्ट्स निकलते हैं, स्प्रेड होते चले जाते हैं एयर के थ्रू या किसी और मीडियम के थ्रू. ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें फंगाई के, तो पेनिसिलियम एंड प्यूकिनिया विच कॉजेज वीट लीफ रस्ट. तो जो वीट है हमारा, वीट के लीफ में जो रस्ट आता है प्यूकिनिया की वजह से ही होता है. और जो ब्रेड मोल्ड की तरह उगता है वो भी प्यूकिनिया ही है. ठीक है, अब ह्यूमंस में इससे कौन सा डिजीज हो सकता है, रिंगवॉर्म. दिस इज इम्पोर्टेंट. तो जो रिंगवॉर्म्स हो जाते हैं हमारी बॉडी में जनरली, अगर जिसको जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं हमारे, कई बार हमारे थ्रोट के फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, कई बार माउथ के फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, नोज के फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं. तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ डिफरेंट फंगाई. ठीक है, अब इसके बाद हम एल्गे पे आते हैं बेटा. ये क्या है, दीज आर सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स और ये एक्वाटिक है नेचर में. एल्गे दैट मीन्स एल्गे कहाँ ग्रो करते हैं, ये प्लांट बॉडी पे. देखो यहाँ पर ये डायग्राम के अंदर भी मैंने लिख रखा है, दे रखा है ये प्लांट के ऊपर जितना प्लांट के लेफ्ट में और ये वाटर बॉडी पे जितना भी ये ग्रीन कलर का पार्ट दिख रहा है ये सारा एल्गे. मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ दिखाने के लिए. सो दिस ऑल ग्रीन पार्ट इज एल्गे. ये सारा जो वाटर बॉडी पे ग्रो हो रहा है ये सब एल्गे. तो ये बेसिकली सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म. वी आर यूजुअली एक्वाटिक इन नेचर. दे कंटेन अ सेल वॉल एंड क्लोरोफिल एंड कैन मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस. तो ये अपना खाना खुद बना सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. और ये यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं एज वेल एज मल्टीसेल्युलर भी हो सकते हैं. एग्जांपल क्लैमाइडोमोनस एंड स्पायरोगायरा.
एल्गी की वजह से भी डिजीजेस होते हैं, बट वो मैंने कवर नहीं किया है बिकॉज दीज आर नॉट जनरली मेंशनड इन एनसीईआरटी एज वेल एज हम लोग बहुत कम सुनते हैं इस तरह डिजीजेस के बारे में. ठीक है, कुछ डिजीजेस हो जाते हैं हमारे में जैसे पैरालिटिक फूड पॉइजनिंग, सॉरी पैरालिटिक फिश पॉइजनिंग करके कुछ एक डिजीज होता है, एक पैरालिटिक शेल पॉइजनिंग भी करके होता है, तो ये एल्गी की वजह से हो जाते हैं जिन एरियाज में एल्गी कंज्यूम किया जाता है. ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं. एग्जाम्पल की बात करें अगर एल्गे की, तो वो है क्लैमाइडोमोनास एंड स्पायरोगायरा. अब हम बारी आई प्रोटोजोआ की, हम प्रोटोजोआ को स्टडी करेंगे. ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जनरली, और ये इंडिपेंडेंटली रहते हैं कुछ, और कुछ कैसे रहते हैं, पैरासाइट्स की तरह. यानी उनको भी एक होस्ट ऑर्गेनिज्म चाहिए जिसके थ्रू वो सर्वाइव कर सके, अपना न्यूट्रिशन ले सके. मेनी ऑफ द पैरासिटिक प्रोटोजोआ कॉज डिजीजेस इन प्लांट्स, डोमेस्टिक एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. तो इसमें तीनों की वजह से, सॉरी इसमें तीनों ऑर्गेनिज्म में डिजीजेज हो सकते हैं, ह्यूमंस में भी, प्लांट्स में भी, डोमेस्टिक एनिमल्स में भी. और कमाल की बात है, प्रोटोजोआ को एक कैरियर की जरूरत पड़ती है, एक मीडियम जिसके थ्रू ये ट्रांसफर होते हैं और दूसरे ऑर्गेनिजम्स में जाते हैं. और ये जनरली क्या होते हैं, प्रोटोजोआ भी कैसे कैरी किए जाते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के द्वारा ही. अगर हम प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल की बात करें तो अमीबा, प्लास्मोडियम, पैरामीशियम, ये सब दीज आर ऑल प्रोटोजोआस. और अगर प्लास्मोडियम देखो कैरी कौन करता है, फीमेल एनोफिलिक्स मॉस्किटो. प्लास्मोडियम इज अ प्रोटोजोआ, और इसे कौन कैरी करता है, ये जो लिखा है प्लास्मोडियम, इट इज कैरीड बाय फीमेल एनोफिलिक्स मॉस्किटो. और इससे फिर क्या होता है आपको, मलेरिया. ठीक है जी, इनके अलावा अमीबा, प्लास्मोडियम, पैरामीशियम, सो दीज आर ऑल प्रोटोजोआस. इनके अलावा एक और ऑर्गेनिज्म भी है, उसका नाम क्या है, वायरस. इनके अलावा वी हैव वन मोर ऑर्गेनिज्म एंड द नेम ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म इज वायरस. अब वायरस बेटा होता तो माइक्रोस्कोपिक है, लेकिन मैंने बताया था ना आपको, इसको हम माइक्रोस्कोपिक होने के बावजूद हम इसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में कंसिडर नहीं करते हैं. तो कुछ रीजंस हैं जो हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, एक बार थोड़ा सा नजर मारते हैं क्यों है. वायरसेस डिफरेंट कैसे होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पीछे, देखो ये जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और ग्रो होते हैं, दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड सेल्स ऑफ होस्ट ऑर्गेनिजम्स. जिसको वो होस्ट बनाते हैं सिर्फ उसी के अंदर ही रिप्रोड्यूस करते हैं. और एक होस्ट ऑर्गेनिज्म कौन कौन हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, और एक बैक्टीरिया भी हो सकता है, सिंगुलर बैक्टीरिया भी हो सकता है. ठीक है, बहुत कॉमन डिजीजेस भी हो सकते हैं इससे जो डे टू डे हम लोग सफर करते हैं, जैसे कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, कफ हो गया, ये सब वायरसेस की वजह से होता है. वायरस कोई एक तरह का ऑर्गेनिज्म नहीं होता, वायरस में एक्चुअली डिफरेंट तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कंबाइंडली किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं. और आपको पता है कोल्ड वगैरह की हमारे पास कोई दवाई भी नहीं बनी है, बिकॉज एक तरह का वायरस नहीं है, बहुत सारे तरह के वायरसेस, अलग अलग तरह के वायरसेस मिलकर डिजीज करते हैं, तो इसकी हम लोग कोई दवाई भी बना नहीं पाए हैं आज तक. ठीक है, तो वायरसेस आर जनरली इस तरह के ऑर्गेनिजम्स है कि कई बार होस्ट के अंदर बहुत टाइम तक रहते हैं और ये एक्टिव ना भी रहे, और जब ये एक्टिव होते हैं तो सेम डिजीज दोबारा भी हो सकता है. इनएक्टिव भी रह सकते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर, लाइफ लॉन्ग रह सकते हैं और पता चले कुछ भी ना किया हो. ठीक है, आया. अब इनसे बहुत सीरियस डिजीजेस भी हो सकते हैं वायरसेस से, जैसे पोलियो और चिकन पॉक्स. अंडरस्टूड, सो दीज आर वन ऑफ द मोस्ट सीरियस डिजीजेस दैट कैन बी कॉज्ड, एंड देयर आर सम डे टू डे डिजीजेस आल्सो और सम डे टू डे इन्फेक्शंस आल्सो दैट वी कैच बिकॉज ऑफ वायरसेस व्हिच आर कोल्ड इन्फ्लुएंजा एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कफ्स यूजुअली हैपन.